गुड इवनिंग सभी को। ठीक है, आवाज तो आ रही है। हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो सभी को गुड इवनिंग, प्रणाम, पहलाक, नमस्ते, नमस्कार, जय केदारनाथ, जय बद्री विशाल। और सबसे पहले आप सभी लोगों को उत्तराखंड के लोक संस्कृति पर्व हरेला की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोग अपने जीवन में सफल हुए ऐसी मैं आपसे इस पर्व पे आशा करता हूँ, और ये मेरी ब्लेसिंग है आप सभी लोगों के लिए। बाकी दोस्तों, आज हम देखेंगे जीएस टेस्ट, जो कि होगा पार्ट 84। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आज, एक्चुअली एक पेपर को हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में। बाकी सभी को देखिए हरेला की शुभकामनाएं। आज हरेला पर्व पे मैंने तो कुछ पेड़ों का यहाँ पे वृक्षारोपण भी किया, आप लोग भी कुछ पेड़ लगाएं, काफी अच्छी बरसात का मौसम चल रहा है। ठीक है, सभी को हरेला पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जी रया, जग रया, तिष्ठिया, पनपिया, दुब जस हरी जग हो, ब्योर जस फैया, हिमाल में हूं छन तक, गंगा जी में पानी छन तक, यो दिन यो मास भेटने रया, अगासक चार उकाओ धरती जार, चुकाओ है जया, श्याओ चकस बुद्धि हो, स्यू जस प्राण हो, जी रया, जग रया, यो दिन यो बार भेटने रया। सभी को यहाँ पर शुभकामनाएं हरेला पर्व की। जय बद्री विशाल। हाँ, दीपक राठौर बोल रहे हैं, उत्तराखंड के ग्रुप सी के ओल्ड पेपर और लूसेंट हिंदी महाकुंभ जल्दी चलेगी भाई, क्लास चलेगी, निश्चिंत रहो। ओल्ड पेपर्स भी कराएंगे, ओल्ड पेपर्स का तो एक महत्वपूर्ण रोल होता है किसी भी एग्जाम में। अगर जो ओल्ड पेपर नहीं लगाएगा कैंडिडेट, तो उसको ये समझ आ ही नहीं पाएगा कभी कि एग्जाम में क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है उससे, आयोग कैसे क्वेश्चन बना रहा है, कैसे क्वेश्चनों पे फोकस करना चाहिए, उन क्वेश्चनों के इर्द गिर्द कौन से महत्वपूर्ण की पॉइंट होते हैं जिनको पढ़ना चाहिए, जो नेक्स्ट टाइम एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। तो ये सभी बातें पता चलती है ओल्ड पेपर्स। ठीक है, तो आपको दिया जाएगा सेशन, तो अगर सेशन को शेयर कर दो आप लोग। चलो आज शुरू करेंगे। आज देखिए मैंने यहाँ पे एक पेपर ही लिया हुआ है, हाल में एक पेपर हुआ था आपका जेई का। ठीक है, उत्तराखंड पीसीएस जेई का पेपर हुआ था, जिसमें जीएस का जो प्रश्न पत्र था आज उसी को सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे, साइंस के क्वेश्चन छोड़ के सभी क्वेश्चन आपके UK SSSC एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं उत्तराखंड में। ठीक है, तो चलिए इसको देखेंगे आज। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे होगा, सेशन को आप लोग शेयर कर दीजिए, फिर मैं शुरू कर रहा हूं। किशोर कुमार जी बोलते हैं, आपकी ये क्लास अंतःकरण को सुकून दी जाती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद किशोर जी। और आपका नाम सुनकर मुझे किशोरदा की याद आ गई, जिनके गीत हमारे अंतरात्मा को सुकून दे जाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए देखेंगे पहला क्वेश्चन आज के टेस्ट का। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए, निम्न में से किस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को पहाड़ों की बेटी के नाम से जाना जाता है? तो पहाड़ों की बेटी इनमें से किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को कहा जाता है? देखिए, ये उत्तराखंड पीसीएस जेई का एग्जाम हुआ था, जो उसमें जीएस का जो पेपर था उसके क्वेश्चन आज हम कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है UK SSSC एग्जाम के लिए। आप UK SSSC का कोई भी एग्जाम देख लेना, ये कॉपी पेस्ट करते हैं एक दूसरे से क्वेश्चनों को, ठीक है, प्री वाले। तो यहां पर पहला क्वेश्चन जो है इसका राइट आंसर है, हाँ रानी गाइदिन्ज्लु जेलिंग, जिन्होंने आंसर किया है, इनको पागल की बेटी के नाम से जाना जाता है। ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि पूरे 50 क्वेश्चन करने वाले हैं आज। ठीक है, अगले सेशन में फिर बचे हुए 50 क्वेश्चन करेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निदेशक तत्वों का प्रावधान करता है? तो नीति निदेशक तत्वों का प्रावधान करता है, दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, भाग चार में है हमारे DPSP। ठीक है, DPSP भाग चार में है, ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। उस लड़की का नाम बताइए जो 2021 में मिस यूनिवर्स बनी। तो देखिए, मिस यूनिवर्स आपको पता है बहुत फेमस, 21 साल बाद भारत ने टाइटल जीता, और ये नाम है हरनाज कौर संधू, ऑप्शन डी। सबसे पहले हमारे देश से मिस यूनिवर्स बनी थी सुष्मिता सेन, उसके बाद सन 2000 में लारा दत्ता बनी थी, और 2021 में हरनाज कौर संधू, यानी कि तीसरी ये मिस यूनिवर्स है इंडिया से।
वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में किस दिन मनाया जाता है? तो आप सभी को पता है पटेल जी को कहा जाता है बिस्मार्क ऑफ इंडिया, क्योंकि भारत का एकीकरण करवाया इन्होंने, एंड इनका जो जन्म तिथि है 31 अक्टूबर, इसको हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर है, अक्टूबर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सभी को यहाँ पे शुभकामनाएं हरेला पर्व के, जो लोग अभी सेशन में जुड़ रहे हैं। एक बेल्ट एक रोड OBOR किस देश द्वारा बनाई जा रही है? करंट का क्वेश्चन था, बीच में चर्चा में था काफी। तो एक बेल्ट एक रोड, ये जो स्कीम चल रही थी, ये ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। ठीक है, चीन, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, चाइना। जो भी डी आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही है, सेशन लाइव होना चाहिए अभी, आपके कमेंट मुझे दिखने चाहिए। पांचवे का डी आंसर जिन्होंने किया बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों आपका। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान के किस राज्य में है? देखिए, ग्वादर बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है हमेशा, एक्सपोर्ट की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट इसको माना जाता है, और पाकिस्तान के ये स्थित है ऑप्शन सी बलूचिस्तान में। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर इसका, बलूचिस्तान में। हाँ, सुष्मिता सेन आजकल ललित मोदी को डेट कर रही, बापूजी कमेंट कर रहे हैं। बापूजी आप अभी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, थोड़े दिन बाद जब आपकी गवर्नमेंट जॉब होगी ना, तो उत्तराखंड की एक खूबसूरत कन्या आपको भी डेट करेगी। ठीक है, तो अभी आप अपने पे फोकस कीजिए। कौन सी राज्य सरकार हिंदी सत्याग्रहियों को आजीवन मासिक पेंशन देगी? बहुत हिस्टोरिकल डिसीजन था ये स्टेट गवर्नमेंट का, एंड ये डिसीजन लिया गया था किसके द्वारा? ऑप्शन सी हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर है, हिंदी के जो सत्याग्रही थे इनको आजीवन मासिक पेंशन देगी हरियाणा गवर्नमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न टेनिस खिलाड़ियों में से किसने सबसे ज्यादा संख्या में ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं? तो देखिए, ग्रैंड स्लैम खिताब आपको पता होना चाहिए, टाइटल होता है। वैसे स्पेशली चार जो ग्रैंड स्लैम होते हैं ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। ठीक है, और ये होते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, ठीक है, इसके बाद विम्बलडन और अमेरिकन ओपन। तो यहां पर देखिए, सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जो जीते हैं, ये खिलाड़ी का नाम है आपका राफेल नडाल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, इनको क्ले कोर्ट का किंग कहा जाता है, लाल बजरी का बादशाह, स्पेन से रिलेट करते हैं, और बहुत दमदार खिलाड़ी यार, मैं भी बहुत बड़ा फैन हूं इसका, नडाल का। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। भारत में संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल डे संविधान मनाया जाता है, हमारा संविधान दिवस मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा नौवे क्वेश्चन का, ऑप्शन ए 26 नवंबर। 26 नवंबर बिल्कुल सही उत्तर है, इस दिन मनाते हैं हम संविधान दिवस। ठीक है, हाँ, विंबलडन का खिताब अभी जीता हाल में ही है, विंबलडन खिताब जीता था जोकोविच ने। ठीक है, और देखिए, साल का पहला ग्रैंड स्लैम जो होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। ठीक है, और अंतिम कौन सा होता है? यूएस ओपन होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। हाँ, विंबलडन में हार गए थे नडाल। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज्यादा डिस्कस नहीं करना, क्वेश्चन जाते हैं आज। हार्नबिल कहाँ का एक वार्षिक सांस्कृतिक महोत्सव है? देखिए, हार्नबिल फेस्टिवल बोल सकते हैं कि एक सांस्कृतिक दर्शाता है किस राज्य की? ऑप्शन है नागालैंड की। ठीक है, नागालैंड का एक फेमस पॉपुलर ये हमारा महोत्सव है, हार्नबिल उत्सव। ठीक है, सभी लोग बहुत सही उत्तर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया प्रिपरेशन चल रही है आपकी, बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग अच्छे से आंसर करते हैं। तो मुझे लगता है अंतर्मन से कि यार पर बहुत से लोग सेलेक्शन लेंगे, और आप अच्छी खासी मेहनत कर रहे हैं आप लोग। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगा जा सकता है? यानी कि सर्वोच्च न्यायालय से यहाँ पे सजेशन मांग सकता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कौन सा आर्टिकल ये परमिशन देता है? तो 11वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह आर्टिकल 143, ऑप्शन बी आर्टिकल 143। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है 11वें क्वेश्चन का। निम्न में से कौन दो शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए थे? कई बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है, और अगर इसमें लगातार आप रिवीजन नहीं करेंगे तो गच्चा खा जाएंगे। तो हमारे जो 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, इसमें दो शब्द जोड़े गए थे, और ये कौन से शब्द थे? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, यानी कि सोशलिस्ट एंड सेकुलर। तो धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए थे। लोक लेखा समिति में लोकसभा से कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं?
तो देखिए संसद में बहुत तरह की समितियां होती है, लोक लेखा समिति, प्राकलन समिति, सलाह समिति, कई समितियां हैं। लोक लेखा समिति की बात करें तो 22 सदस्य इसमें टोटल होते हैं, जिसमें से लोकसभा से होते हैं कितने, 15 सदस्य, यानी कि 13 का आंसर जाएगा ऑप्शन ए। बचे हुए 7 सदस्य होते हैं राज्यसभा से, ठीक है। तो 12वें 13वें क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय रखे गए हैं, 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं बताइए, ठीक है। तो राइट आंसर जाएगा 14 क्वेश्चन का ऑप्शन सी 29। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो 11वीं अनुसूची का संबंध है ग्राम सभा से, ठीक है, और इसमें ग्राम सभा के संबंधित 29 विषय हैं, ग्राम पंचायतों से है ना 11वीं जो शेड्यूल है इसका संबंध। भारतीय नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट, तो भारतीय नागरिकता एक्ट आएगा आपका ऑप्शन डी होगा 1955, 1955, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का निर्वाचन आयोग किस वर्ष बहुसदस्यीय संस्था बन गया था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निर्वाचन आयोग किस वर्ष में बहुसदस्यीय संस्था बनी, यानी कि भारत के निर्वाचन आयोग को अगर हम देखते हैं ना, तो अभी एक मुख्य चुनाव आयुक्त तो होते हैं हमारे देश में और दो उनके साथ चुनाव आयुक्त तो होते हैं, है ना। तो ये जो सिस्टम आया था ये कब आया था, तो 16 का जो आंसर हो जाएगा राइट आंसर ये होना चाहिए 1989, ठीक है, 1989 राइट आंसर है 16वें क्वेश्चन का, 1989 होगा 16वें का, ठीक है, सही है ना, कोई तो डाउट नहीं है इसमें, सही है 1989 से। एमकेएस प्रणाली में प्लांक के स्थिरांक का मात्रक क्या, ये साइंस के क्वेश्चन है, ये आपने आपके आएंगे नहीं यूके ट्रिपल एस सी एग्जाम में, लेकिन थोड़ा जान लो। तो हमारे एमकेएस जो पद्धति होती है मीटर किलोग्राम सेकेंड, इसमें प्लांक के स्थिरांक का जो मात्रक होता है वो होता है ऑप्शन डी जूल सेकेंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये भी हमारा साइंस का क्वेश्चन ही है, ठीक है, चलिए इसको स्किप ही कर देते हैं साइंस के क्वेश्चनों को, 20 क्वेश्चन पे आ जाते हैं सीधे। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में निम्न में से कौन उसका सदस्य नहीं था, तो जब भारत आजाद हुआ तो आजाद होने के बाद भारत के मंत्रिमंडल में कौन सदस्य नहीं था बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 20वें क्वेश्चन पे आ जाइए सीधे, सीधे 20वें क्वेश्चन पे आ जाओ, 20वें का आंसर दीजिए आप लोग। बीसवें का सही आंसर है भाई सी, लियाकत अली खान नहीं थे, लियाकत अली खान चले गए पाकिस्तान, ठीक है, ऑप्शन सी होगा इसका आंसर, क्योंकि भारत की बात हो रही है यहाँ पे, लियाकत अली खान का संबंध नहीं है यहाँ पे भारत से, ऑप्शन सी, सिंपल सा है समझने वाली बात की। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, साइंस के क्वेश्चन स्किप कर दूंगा मैं, साइंस के क्वेश्चन में स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए 28 क्वेश्चन पे आ जाइए सीधे, भारत के किस राज्य में मानस अभ्यारण्य स्थित है, भारत के किस राज्य में मानस अभ्यारण्य स्थित है, तो मानस आपको पता ही है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है मानस और काजीरंगा स्पेशली फेमस है भारत में, तो ये ऑप्शन बी असम में है, ठीक है, असम बिल्कुल सही उत्तर है आपका, असम जो आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही उत्तर है, 28 का आंसर देगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, रेगिस्तान में रहने वाले जंतु क्या कहलाते हैं, जंतु की बात हो रही है जो कि डेजर्ट में रहते हैं, तो रेगिस्तान में रहने वाले जंतु कहलाते हैं मरुस्थलीय जंतु, ऑप्शन ए, सिंपल सा क्वेश्चन है बस कंफ्यूज करने के लिए दिया है। चलिए इसको देख ही लेते हैं, थोड़ा पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, इनमें से किसको जीवित जीवाश्म माना जाता है, ठीक है, तो इसमें अलाइव फॉसिल्स कौन सा होता है बताइए, तो 30वें क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी लिमुलस, लिमुलस को माना जाता है जीवित जीवाश्म, ठीक है।
चलिए फिर से साइंस का क्वेश्चन आ गया, इसको स्किप कीजिए। ओके, ये जीएस के क्वेश्चन कराने मैंने आपको, सिंपली ये सीरीज जो हमारी है ये सीरीज केवल और केवल यूके ट्रिपल एससी के लिए है, ठीक है। तो वहां पर आपके साइंस के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, आप लोगों को मैं क्लियर कर दूं, किसी भी एग्जाम में जनरल पेपर में साइंस के क्वेश्चन नहीं आते, इसलिए साइंस के क्वेश्चन हम हटा देंगे इसमें से, केवल जीएस के क्वेश्चन लेंगे हम, ठीक है। फोर्टी सिक्स क्वेश्चन पे आ जाइए सीधे। गायत्री मंत्र किससे संबंधित है, हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया प्राचीन इतिहास से, गायत्री मंत्र किससे संबंधित है, आज बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे आपको। गायत्री मंत्र किससे संबंधित है बताइए, देखिए बहुत से लोग बोलते हैं क्वालिटी साफ नहीं है, क्वालिटी आप इंप्रूव कीजिए, YouTube के सेटिंग बटन पे जाइए और वहां पे कम से कम 360 पिक्सल में अपनी क्वालिटी को आप इंक्रीज कीजिए, फिर साफ दिखाई देगा, ठीक है। तो 46 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन है, आवाज आवाज मिस हो गई क्या, नेटवर्क का इश्यू हो गया शायद, कुछ एक बार चेक करते हैं। आवाज हेलो, वॉइस क्लियर है क्या, आवाज आवाज ठीक है ना, हाँ ठीक है ठीक है, चलो ठीक है, हाँ तो बढ़ते हैं आगे। गायत्री मंत्र किससे संबंधित है, 46 क्वेश्चन था हमारा, ठीक है। तो गायत्री मंत्र जो है हमारे ये सवित से संबंधित है, ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर इसका, ऑप्शन ए सवित। अगला देखिए झेलम नदी, झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या था, तो झेलम नदी का प्राचीन नाम बताना है आपने, झेलम का प्राचीन नाम बताना, ये क्वेश्चन मैंने करवाया आपको जीएस टेस्ट में पहले भी, झेलम का जो प्राचीन नाम था वो था ऑप्शन सी वितस्त था। इसी नदी के किनारे पे एक बहुत भयंकर युद्ध हुआ था राजा पोरस और सिकंदर के बीच में, ठीक है, जिसको वितस्तता का युद्ध भी कहा जाता है और हाइडे स्पीच का युद्ध भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। किस सिख गुरु ने मनसद मसंद प्रथा प्रारंभ की थी, तो सिख गुरु जिन्होंने मसंद प्रथा प्रारंभ की थी इनका नाम था, हाँ वॉइस वो हो गया था बीच में, नेटवर्क थोड़ा ग्लिच हो गया था तभी मेरे को आ नहीं रही थी यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए हमारा मसंद प्रथा को शुरू करने वाले सिख गुरु थे ऑप्शन ए गुरु अमरदास, अमरदास इसका राइट आंसर है, 48 का आंसर है ऑप्शन ए। बीरबल का वास्तविक नाम क्या था, देखिए भाई ऐसे क्वेश्चन भी पूछ रहा है, अगर लोक सेवा आयोग पूछ रहा है तो यूके ट्रिपल एससी कुछ भी पूछ सकता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, मैं तभी बोलता हूँ, कोई भी क्वेश्चन आपका वेस्ट नहीं होता, जीएस का कोई भी क्वेश्चन आप पकड़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं काम आता है। तो बीरबल देखिए इसका जो वास्तविक नाम था वो था ऑप्शन सी महेश दास इसका नाम था, ठीक है, ये ब्राह्मण था, बाद में इसने इस्लाम धर्म को अपनाया था ऐसा बोला जाता है बीरबल, और अकबर अकबर के नौ रत्नों में एक था ये, ठीक है, बहुत बुद्धिमान आदमी था बीरबल। औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में सिद्ध हस्त था, यानी कि औरंगजेब इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र बहुत अच्छे तरीके से बजाता था, पारंगत था, तो औरंगजेब बजाता था भाई वीणा ऑप्शन सी, ठीक है।
तो वीणा बजाता औरंगजेब। चलिए आगे बढ़ते हैं। जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री कौन था? तो जहांगीर के दरबार में जो पहला अंग्रेज यात्री आया, इसका नाम था ऑप्शन ए कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए थोड़ी देर रुकी जाइए, करवाई देते हैं क्वेश्चन। इसमें कुछ साइंस के हैं वो छोड़ देंगे, बाकी जीएस के क्वेश्चन करते जाते हैं। ठीक है, गीता रहस्य का लेखक कौन था? बहुत अच्छा रिवीजन हो रहा है आपका जीएस के क्वेश्चनों का, जो बार बार एग्जाम में बनते क्वेश्चन वो आपके रिवीजन हो रहे हैं। ध्यान से अपने स्कोर को यहाँ पे अपने बोल सकते अपना आकलन कीजिए आप लोग। गीता रहस्य जो पुस्तक लिखी थी, राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक। चलिए ये हमारे साइंस का क्वेश्चन है, साइंस के मैं छोड़ दूंगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं लूंगा। बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना का सेना अध्यक्ष कौन था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बक्सर के युद्ध में लीड करने वाला जो सेनापति था ब्रिटिशर्स का, वो था ऑप्शन बी हेक्टर मुनरो। ठीक है, हेक्टर मुनरो था ये। हाँ, 44 का बी सही आंसर दे रहे हैं, जो भी दे रहे सही है। 1843 के एक अधिनियम द्वारा भारत में किस प्रथा को अवैध घोषित किया गया था? तो 1843 में हमारी दास प्रथा को समाप्त किया गया था, अवैध घोषित किया गया था। वैसे समाप्त नहीं होती है उसी समय, लेकिन अवैध घोषित किया गया था। तो 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, और लॉर्ड एलिन बरो था इस समय। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, एलिन बरो। बंगाल का पवना विद्रोह किससे संबंधित था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पवना विद्रोह। तो बंगाल का पवना विद्रोह रिलेट करता है ऑप्शन बी दस्तकारों से। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है 56 क्वेश्चन का। निम्न में से रस्त गोप्तर स्पीक ऑफ ट्रूथ समाचार पत्र का संपादक कौन था? देखिए, स्पीक ऑफ ट्रूथ, स्पीकर ऑफ ट्रूथ जो ये न्यूज़पेपर था, इसके एडिटर थे। 57 का आंसर जगह ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर इसका दादा भाई नौरोजी। देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, फिर से हमारा एक हिसाब से क्वेश्चन है, लेकिन देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। हाथी दांत जो होता है ना, आपने देखा होगा हाथी के दो दांत होते हैं, टस्कर भी बोलते हैं ना हाथी वाले को, तभी हाथी दांत के दो, हाथी के दो दांत होते हैं। तो ये क्या होता है, परिवर्तित है, दांत का किस प्रकार का रूप है ये? तो दांतों का ये रूप है आपका ऑप्शन ए ऊपरी कृंतक बोलते हैं इनको। ठीक है, ऑप्शन ए। वैसे तो साइंस का क्वेश्चन है, फिर से साइंस के क्वेश्चन आ गए हैं, छू देते हैं इनको। इनमें से किस समिति ने किसानों की आय को दोगुनी करने के सुझाव दिए थे? तो किसानों की इनकम को डबल करने का सजेशन कौन सी कमेटी ने दिया गया, दिए गए विकल्पों में? तो 60 वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अशोक दलवी समिति। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है अशोक दलवी। निम्न में से सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक को तीन बैंकों के विलयन में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो कौन सा इनमें से सम्मिलित नहीं हुआ है बैंक विलयन, जो आपका बीच में बहुत से बैंकों को मर्ज किया गया ना आपस में, इनमें से कौन सा नहीं है? एक 61 का आंसर बताना है, तो आंसर है ऑप्शन डी पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, ऑप्शन डी पंजाब नेशनल बैंक। उद्यमियों को स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए मुद्रा योजना के अंतर्गत कितनी श्रेणियां हैं? देखिए, मुद्रा योजना हमारी ये बीजेपी गवर्नमेंट ने शुरू की थी, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना तीन कैटेगरी में दी जाती है। ठीक है, इसमें तीन तरह के लोन दिए जाते हैं। ठीक है, शिशु लोन होता है, तरुण होता है, किशोर होता है, और अलग अलग इसमें लोन अमाउंट होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। बताइए मुझे कब शुरू हुई थी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, कमेंट में। अगला क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम 1878 किसने लागू किया था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जिसके तहत भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया गया था, और ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगाया था किसने? ऑप्शन सी लॉर्ड लिटन। ठीक है, लॉर्ड लिटन ने भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध लगाया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा प्रत्याशी उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में सबसे कम अंतर से चुनाव जीता? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए करंट का क्वेश्चन पूछ लिया, लेकिन कितने डिटेल में पूछा है। तो इसका राइट आंसर है 64 का, मदन सिंह बिष्ट। ठीक है, तो मदन सिंह बिष्ट सबसे कम अंतर से यहाँ पे चुनाव जीते 2022 में, पांचवी विधानसभा में। 64 का बी आंसर है। 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो 15वां जो वित्त आयोग बनाया गया, इसके अध्यक्ष थे कौन? एन के सी एम। ठीक है, ऑप्शन ये हो जाएगा 65 का, एन के सी एम। भारत में जी
किस दिनांक से लागू हुआ था? तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी, इसको पूरे देश में लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 से। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, 1 जुलाई 2017। तो 66 का हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य दिए जाने के लिए कितनी फसलों की सिफारिश की गई है? ये करंट का ही क्वेश्चन है, इस बार की बात की जा रही है 2021-22 की। तो यहां पर देखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है, आप कृषि समझौता, अंतर्राष्ट्रीय कृषि समझौता पढ़ते होंगे, उसमें इसका विरोध भी किया जाता है। जो भारत के देश है वो बोलते हैं कि भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य और जो भी सब्सिडी वगैरह दी जाती है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, इसको भी बंद करना चाहिए। इससे क्या होता है कि ग्लोबल मार्केट में कॉम्पिटिशन जो होता है, कॉम्पिटिशन लेवल में अंतर आता है। ठीक है, ये बहुत इकोनॉमी का एक बहुत कृषि समझौता जो है डिटेल में पढ़ेंगे तब ये समझ में आएंगी चीजें आपकी। लेकिन भारत में किसानों की, क्योंकि किसान जो है, देखिए हमारे देश में एक नारा बहुत पॉपुलर हुआ था, जय जवान जय किसान। दो लोग हैं जो भारत को सर्वाइव करते हैं अपने कंधे पर, एक जवान रक्षा करता है, दूसरा एक किसान है जो सबको फीड कराता है। तो इसलिए किसानों को देखिए, कभी जो भी उनकी फसल पैदा होती है उसके लिए गवर्नमेंट एक फिक्स मूल्य रख देती है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य, MSP। यहां पर फसलें जो इसमें कैटेगराइज्ड है, 67 का आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए 23 फसलें, ऑप्शन ए राइट आंसर इसमें। हाँ, 23 फसलें जो आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो आप लोग। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना 1965, बिल्कुल सही है। ठीक है, जय जवान जय किसान का नारा तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। ठीक है, लेकिन एक प्राइम मिनिस्टर और आए इंडिया में जिन्होंने इसको आगे एक्सटेंड किया नारे को, उन्होंने बोला जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। कौन से प्रधानमंत्री थे वो बताइए मुझे। निम्न में से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट का प्रकाशन कौन करता है? तो किसी भी देश में बिजनेस करना कितना आसान है, कोई भी फैक्ट्री डालना, कोई भी कॉर्पोरेट ऑफिस खोलना, उसके आधार पर रिपोर्ट जारी होती है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इसको जारी करने वाली जो संस्था है, ये संस्था का नाम है ऑप्शन बी, विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अटल बिहारी वाजपेयी जिन्होंने नाम दिया है, बिल्कुल सही है। दिनेश पांडे बोले शाउट आउट माय नाम, दिनेश पांडे जिंदाबाद। देखिए, जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी थे उन्होंने बोला था जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। ठीक है, जब ये पीएम बने थे सन 2000 के आसपास, 99 से बने ना, उस समय बोला इन्होंने। अगला देखिए, इनमें से कौन सी एक डिवाइस को भिन्न प्रकार के नेटवर्क में जोड़ने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो भिन्न प्रकार के नेटवर्क में जोड़ने के लिए डिवाइस जो यूज होती है, इसको बोलते हैं ऑप्शन सी गेटवे। ठीक है, गेटवे अलग अलग पढ़ते हैं ना आप, अलग टाइप के गेटवे होते हैं, नॉर गेट, नैंड गेट, ठीक है, नॉट गेट, ये यही है नेटवर्क को जोड़ने के लिए यूज होता है। एक गोलाकार डिस्क जिसमें छोटे गड्ढों पिट्स को जलाकर बर्निंग रिकॉर्डिंग की जाती है, उसको क्या कहा जाता है? तो ऐसी जो हमारी होती है, ये ऑप्टिकल डिस्क कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर के क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना आप, इसको याद कर लेना, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण लग रहा है मुझे। ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क वाला गेटवे तो आप कर ही लोगे। इनमें से कौन सा एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है? तो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर हो जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद कर लेना, लेजर प्रिंटर। ठीक है, ये नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होता है, सबसे अच्छी क्वालिटी देता है लेजर प्रिंटर। इंटरनेट पर रियल टाइम में ऑडियो और वीडियो चलाने को क्या कहा जाता है? देखिए, आप इंटरनेट पर सर्फिंग कर रहे हो और रियल टाइम में कोई ऑडियो वीडियो चलाते हो इंटरनेट के थ्रू, तो ये कहलाता है आपका स्ट्रीमिंग। जैसे लाइव स्ट्रीमिंग अभी आप देख रहे हैं, ऑडियो और वीडियो तो सुन रहे हैं ना आप, मेरा वीडियो भी देख रहे हैं और मेरी आवाज भी सुन रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ से लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ। इनमें से कौन सा देश विश्व में सूरजमुखी के तेल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो सनफ्लावर जो हमारा तेल है, ऑयल होता है, सनफ्लावर ऑयल सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है यूक्रेन में। ठीक है, यूक्रेन। बस थोड़े क्वेश्चन और रह गए, 100 क्वेश्चन है आज के टेस्ट में, हो जाएगा बस। अब थोड़ा उत्तराखंड के क्वेश्चन आ गए हैं शायद इसमें। इनमें से कौन एक गढ़वाल के परमार राजाओं की राजधानी नहीं था? तो गढ़वाल के परमार राजाओं की राजधानी नहीं था इनमें से, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कोटद्वार। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। देखिए, चांदपुर गढ़ी, टिहरी रियासत उत्तरवर्ती शासन में और श्रीनगर, ये सभी पवार शासकों की राजधानी रही कभी ना कभी, कोटद्वार नहीं रही भाई, ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राशि मंडल की छठी राशि कौन सी है? देखिए, ये बहुत ही अलग क्वेश्चन पूछ लिया है भाई। हमारी जो राशियां होती है ना, आपको पता ही है,
अलग अलग राशियां होती है, मेष, मिथुन, कन्या, कर्क, जो भी राशियां होती है इनमें से बताना छठी राशि कौन सी है। देखिए कितना डिटेल में क्वेश्चन पूछा है, ये हमारे बोला एक हिसाब से हमारे हिंदू धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है। एंड राइट आंसर इसका ऑप्शन डी, कन्या राशि जो होती है छठे नंबर की राशि होती है। कुमाऊं का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? तो कुमाऊं का इतिहास लिखा था, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बी डी पांडे, यानी कि बद्रीदत्त पांडे जी। जेल में लिखी थी उन्होंने पुस्तक, ठीक है, जेल प्रवास में थे जब ये। कत्यूरी राजाओं का शासनकाल वर्तमान उत्तराखंड के प्रभागों में किस काल अवधि में था? तो कत्यूरी शासनकाल हमारे राज्य में था, 77 का आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए होना चाहिए, ठीक है, 2500 ईसा पूर्व से 700 ईस्वी तक। कत्यूरी शासन 700 ईस्वी था ना, 700 ईस्वी के बाद ही हमारे अलग अलग वंश जाते हैं, कत्यूरियों का विघटन हो जाता है एक हिसाब से। गढ़वाल में जहां पंवार वंश की स्थापना होती है, तो कुमाऊं में चंद वंश की स्थापना होती है, ठीक है, तो 700 ईस्वी तक। डॉक्टर पातिराम द्वारा लिखित पुस्तक का शीर्षक क्या है? देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, पातिराम जी की जो पुस्तक है गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न, यानी कि ऑप्शन ही हो जाएगा गढ़वाल प्राचीन और अर्वाचीन, तो ये पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है और ये पुस्तक लिखी गई है अंग्रेजी में। एक बार आयोग ने ये क्वेश्चन भी पूछ लिया था UK SSSC में, इनमें से कौन सी पुस्तक दिए गए विकल्पों में अंग्रेजी भाषा में लिखी गई है? तो ये गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न पातिराम ने अंग्रेजी में ही लिखी थी, ठीक है, पातिराम जी ने। जनपद नैनीताल के भवाली सेनिटोरियम की स्थापना कब की गई थी? तो भवाली में जो सेनिटोरियम है ये स्थापित हुआ था आपका 1912 में, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, 1912। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कुमाऊं का चाणक्य किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन कई बार बताया मैंने आपको, कुमाऊं का चाणक्य कहा जाता है ऑप्शन सी हर्षदेव जोशी को, और गढ़वाल का चाणक्य कहा जाता है पुरिया नैथानी को। राजी जनजाति मुख्यतः उत्तराखंड के किस जनपद में पाई जाती है? तो राजी जनजाति का जो निवास है वो हमको देखने को मिलता है पिथौरागढ़ में ज्यादा है, ठीक है, ऑप्शन डी, पिथौरागढ़ और कुछ चंपावत के हिस्से में भी मिलते हैं, चंपावत में तो अब बिल्कुल ही खत्म है, पिथौरागढ़ में अभी भी हमारा जो अस्कोट का क्षेत्र है, धारचूला का क्षेत्र है, वहां पे ये जनजाति आज भी काफी देखने को मिलते हैं, और अपने काम पारंपरिक जो परंपरागत इनका काम है काष्ठ कला वाला, उसमें ये लोग इन्वॉल्व रहते हैं। भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम किस प्रयाग में होता है? तो देखिए सास बहू कहाँ पे मिलते हैं, हमारी सास बहू का मिलन बिंदु है देवप्रयाग। बस थोड़े क्वेश्चन और रह गए, इनको करते हैं बस उसके बाद। सौर परिवार के सबसे बड़े ग्रह का नाम बताइए। तो हमारे देखिए सौर परिवार में जो सबसे बड़ा प्लेनेट है इसका नाम हो जाएगा ऑप्शन सी बृहस्पति। नींबू, देखिए ये फिर से हमारा बेटा उसका क्वेश्चन आ गया साइंस का, इसको तो देख ही लो यार, नींबू जो होता है ना, नींबू वंशीय जितने भी फल होते हैं उसमें विटामिन सी की प्रचुरता होती है, ऑप्शन सी। फूलों की घाटी किस जनपद में स्थित है? तो वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है आपकी चमोली में, ऑप्शन बी। शालीमार बाग किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो शालीमार बाग की जो लोकेशन है वो आपको देखने को मिलेगी कहाँ पे, कश्मीर में, ठीक है, जम्मू कश्मीर में है शालीमार बाग, बहुत फेमस है, ऑप्शन 86 का हो जाएगा ऑप्शन सी। गुलमर्ग, सोनमर्ग ये भी बहुत फेमस है, ठीक है, यहाँ पे है जम्मू कश्मीर में। उत्तराखंड राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? निर्वाचित नहीं पूछा है, केवल पहले पूछा है, तो नित्यानंद स्वामी सही हो जाएगा आंसर, निर्वाचित पूछता तो फिर नारायण दत्त तिवारी होते, ठीक है, ये अंतर है इन क्वेश्चनों में समझना, ये अंतरिम मुख्यमंत्री थे अंतरिम सरकार में। भारत की पहली संपूर्ण जनगणना किस वर्ष में हुई थी? संपूर्ण जनगणना से मतलब है नियमित जनगणना, तो ये 1881 में हुई थी लॉर्ड रिपन के टाइम पर, ठीक है, वैसे तो सबसे पहले जनगणना शुरू करवाई थी लॉर्ड मेयो ने 1872 में, बट ये प्रॉपर नहीं हुई थी, नियमित जनगणना 1881 से लॉर्ड रिपन के काम टाइम पे शुरू हुई थी, तब से लेकर प्रत्येक 10 साल में जनगणना होती है। उपन्यासकार शिवानी का वास्तविक नाम क्या था? तो शिवानी का वास्तविक नाम था गौरापंत, गौरापंत शिवानी भी कहा जाता है इनको। कुमाऊं मंडल का पहला कमिश्नर कौन था? तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, कुमाऊं मंडल के पहले कमिश्नर थे एडवर्ड गार्डनर, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा एडवर्ड गार्डनर। बस 10 क्वेश्चन हो जाएगी फिर इसके बाद क्लास खत्म है। कंप्यूटर के मस्तिष्क को किस रूप में जाना जाता है? तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बहुत सिंपल है, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन सी। 92 में पूछ रहा है कि इनमें से एक भिन्न को चुनिए, इनमें से एक अलग है,
बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, ये इसमें अलग है ठीक है। एंड्रॉइड, आईओएस, सिम्बियन, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट कि जबकि जो सी है, सी एक प्रकार की भाषा है ठीक है, लैंग्वेज है, ये सभी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन बी अलग है इसमें। इंटरनेट अंतरजाल का जनक किसे कहा जाता है? तो इंटरनेट के जनक कहलाते हैं हमारे। 93 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विंटन सर्फ ठीक है। इसलिए सर्फिंग करना कहते हैं, अगर इंटरनेट पे आप कुछ भी कर रहे हो ना, नेट सर्फिंग करना, इन्हीं के नाम से आया वो। निम्न में से कौन सा संचारण माध्यम नहीं है? नहीं है पूछ रहे हैं, यानी कि इनमें से कौन सा कम्युनिकेशन का एक माध्यम नहीं है, मीडियम नहीं है। तो ऑप्शन, टेलीफोन लाइन है, कोएक्सियल केबल है, माइक्रोवेव सिस्टम, मॉडेम। 94 का होना चाहिए, ऑप्शन सी होना चाहिए ठीक है। कौन सा एक संचारण माध्यम नहीं है? सी होगा इसका आंसर, माइक्रोवेव सिस्टम होना चाहिए, मॉडेम भी तो है संचारण का माध्यम। 94 का क्या आंसर होगा? डी तो होगा ना, बस सी होगा इसका आंसर। माइक्रोवेव सिस्टम कैसे होगा भाई? एक बार अंग्रेजी में इस क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा मेरे को डाउट है इसमें ठीक है। 94 को इंग्लिश में भी देख लेता हूँ क्वेश्चन में। क्वेश्चन बोल रहे हैं कि इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांसमिशन मीडिया, ट्रांसमिशन मीडिया, टेलीफोन लाइन, कोएक्सिबल केबल, माइक्रोवेव सिस्टम, मोडेम। मोडेम ही होगा यार, माइक्रोवेव सिस्टम बोल रहा है वो, माइक्रोवेव का सिस्टम, जहां पर माइक्रोवेव के द्वारा कम्युनिकेशन किया जाता है। क्वेश्चन ये पूछ रहा हो, देखिए बहुत कंफ्यूज करने के लिए उसने ये दिमाग लगाया। बहुत से लोगों के दिमाग में वो माइक्रोवेव आ रहा है, मेरे दिमाग में भी वही आया जो घर में हम यूज करते हैं ठीक है। ये नहीं है, माइक्रोवेव सिस्टम से मॉडेम ही होगा इसमें, ऑप्शन डी होगा। माइक्रोवेव वाला माइक्रोवेव नहीं है ये, खाना बनाने वाला है, ओनली माइक्रोवेव होता ना यहाँ पे, तब जाके इसको हम ऑप्शन में लेते हैं। लेकिन ये माइक्रोवेव सिस्टम बोल रहा है, माइक्रोवेव का मतलब सूक्ष्म तरंगें होती है। ट्रांसमिशन में तो फिर मोडेम भी आता है ना। मोडेम में भी होता है ट्रांसमिशन, वही तो बात है। तो ये माइक्रोवेव के साथ ही जाना पड़ेगा फिर इसमें। आंसर की में क्या आंसर दिया था इसका आयोग ने, कुछ आपको पता है? आपने आंसर की तो देखी होगी इसकी ऑफिशियल। ये मेरे को कोई कमेंट करके बताओ यार, इसका आंसर की में क्या आंसर दिया था मुझे बताओ तो। आप लोग मोडेम होगा, माइक्रोवेव दिया था फिर आंसर, आंसर की में क्या दिया था? माइक्रोवेव। लेकिन माइक्रोवेव अगर सिस्टम की बात की जाए ना, तो माइक्रोवेव सिस्टम, माइक्रोवेव सिस्टम सूक्ष्म तरंगे, सूक्ष्म तरंगों से क्या कम्युनिकेशन होगा? नहीं है पूछ रहा है ना। मोडेम तो होगा यार, क्यों नहीं होगा? मोडेम के, मोडेम तो यहाँ पे ट्रांसमिशन के काम आता है ना। चलिए इसको चेक कर लेंगे, इसमें थोड़ा डाउट तो है मेरे को। अभी माइक्रोवेव सिस्टम अगर वहां इंग्लिश में हम ऑप्शन देखते हैं तो इंग्लिश में माइक्रोवेव सिस्टम ही दे रहा है ना। देखिए इसको चेक करते हैं, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांसमिशन मीडिया, ट्रांसमिशन मीडिया, माइक्रोवेव सिस्टम ही होगा यार इसका, ऑप्शन सी सही है। फिर भी मैं एक बार चेक करूंगा, ऑप्शन सी के साथ ही मैं भी जाऊंगा इसमें, ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर है। डी नहीं होगा भाई, डी नहीं होगा इसमें। 2016 और 2020 के ओलंपिक के लिए मेजबान शहर कौन कौन थे ये तो सबको पता है, रियो डी जेनेरियो और टोक्यो में हुए थे ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा 95 को। और 2024 के जो ओलंपिक होंगे कहाँ पे होंगे? 2024 के होंगे पेरिस में, फ्रांस में, और 2028 के ओलंपिक होंगे लॉस एंजलिस, अमेरिका में। निम्न में से वर्तमान में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन है? तो महिला हॉकी टीम की कप्तान हो जाएंगी ऑप्शन ए, रानी रामपाल है, बहुत अच्छा खेलती हैं वो। इनमें से वो कौन सा पोलिंग स्टेशन सबसे अधिक ऊंचाई पर, पोलिंग मतलब मतदान बूथ बोल सकते हैं, तो सबसे ऊंचाई पर स्थित जो हमारे राज्य का, उत्तराखंड का पोलिंग बूथ था वो हमारा स्थापित हुआ था गंगोत्री में।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निम्न में से कौन सा पुरस्कार महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान की पहचान के लिए नहीं दिया जाता, नहीं पूछ रहा है। देखिए तो सिंपली ये समझ जाइए, क्वेश्चन ये पूछ रहा है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इनमें से कौन सा पुरस्कार महिला सशक्तिकरण के लिए काम करने पर नहीं देता है, नहीं देता है तो ये पूछ रहा है। तो 98 का आंसर जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, गीता चोपड़ा पुरस्कार इसमें ये महिला सशक्तिकरण के लिए नहीं होता, बाकी सभी पुरस्कार ये हमारे वीमन एम्पावरमेंट के लिए दिए जाते हैं, उत्कृष्ट योगदान के लिए। गलत जोड़ा पहचानिए, बताइए इसमें से हमारा गलत पेयर कौन सा है। नाइनटी नाइन का आंसर दीजिए, एनसीईआरटी हरुषिकेश सेनापति, यूजीसी। अच्छा, एक तरफ संस्थान दिए गए हैं और एक तरफ आपके संस्थान के संस्थापक दिए गए हैं, ठीक है, मतलब अध्यक्ष या चेयरमैन दिए गए हैं, वर्तमान में कौन है, तो 99 का आंसर बताइए। नहीं, राइट आंसर इसका ऑप्शन है 99, गलत जो है, एनसीईआरटी के जो है हरुषि के सेनापति नहीं होंगे यहाँ पे, ये हमारा बहुत उसमें न्यूज में भी रहा था, उत्तराखंड मूल के ही हमारे दिनेश सकलानी जी, प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी ये डायरेक्टर हैं, एनसीईआरटी चेयरपर्सन है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, दिनेश प्रसाद सकलानी, बाकी सभी सही इसमें मैच हुए हैं। ISRO एस सोमनाथ है, DRDO के संजीत रेड्डी हैं, UGC के एम जगदीश कुमार हैं। लास्ट क्वेश्चन है भाई, क्लिप बोर्ड से डाटा को दस्तावेज में कॉपी करने को क्या कहा जाता है, तो क्लिप बोर्ड से उठा के कोई भी डेटा में दस्तावेज डॉक्यूमेंट में कॉपी करूंगा तो इसको क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को, तो इसको बोला जाता है पेस्ट करना, ठीक है, बहुत सिंपल है, पेस्ट करना ये तो हुआ, एनसीईआरटी रॉन्ग है, एनसीईआरटी के जो चेयरमैन है वो हमारे सकलानी जी हैं, इसको पेस्ट करना बोलते हैं, क्लिप बोर्ड से डेटा को दस्तावेज में जब कॉपी करते हैं, ठीक है। ये था दोस्तों आज हमारा GS टेस्ट 84, जिसमें हमने लिया था JEE का जो पेपर हुआ था GS का, हाल में ही उसको हमने लिया था इसमें, ठीक है। आज तो ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, अच्छे से इनको याद रखिएगा, एग्जाम में देखिए UKPCS में पूछे गए क्वेश्चन जो GS के होते हैं वो रिपीट होते हैं UK SSSC के एग्जाम में, ये आप मान के चलो, दो चार क्वेश्चन पक्का रिपीट होंगे इनमें से, ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए आगामी एग्जाम में। बाकी आपको मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, आज हरेला पर्व था दोस्तों, तो कोशिश करना, हरेला पर्व शुरू हो गया है, आप लोग इस बरसात के सीजन में कुछ पेड़ लगाओ, कम से कम जीवन में एक पेड़ तो लगाना यार, उसको ऐसे देखभाल करना जैसे वो आपका फैमिली मेंबर हो। और जो भी लोग देखे पर्वतीय क्षेत्रों में हैं और जहां पर ज्यादा बोल सकता हूँ कि मैं अपॉर्चुनिटी है पेड़ लगाने की, तो वो लोग बढ़ चढ़कर इस मुहिम में भाग लें, साथ ही लोगों को भी अवेयर करें। बाकी अपने घर के आसपास और जहां भी आप घूमने जाते हैं खूबसूरत प्लेसेस में, वहां पे स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें, अपने जीवन में माता पिता गुरुजनों का हमेशा आदर करें, सम्मान दें उनको और उनकी बातों से सीख लें, उनका एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करें और आगे बढ़ने के लिए अपने रास्तों को स्वतः खोलें, ये बहुत काम आती है एक्सपीरियंस, ठीक है। तभी बोलते हैं एक अच्छा लिसनर भी बनना चाहिए आपको, एक वक्ता वही होता है, बहुत सबसे अच्छा वक्ता वही होगा जो सबसे अच्छा लिसनर होगा, यानी कि श्रोता होगा। बाकी सभी को हैप्पी हरेला भाई, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो ऐसे, और अपने से जो आने वाली नेक्स्ट जनरेशन है उसको भी ऐसे गाइड करो और अच्छी राह पर चलने के लिए हमेशा उनको मोटिवेट करो, उनको डेडिकेशन दो। चलिए मिलेंगे आपको जल्दी नेक्स्ट सेशन में, टिल देन अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से स्टडी कीजिएगा दोस्तों, जय हिंद, जय देवभूमि, शुभ रात्रि।